अमेरिका में अगर आप रहते हो और जब आपका लास्ट डे होता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह उठने के साथ साथ हमने चालू कर दी है क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग। एवरीडे वाली नहीं, इंडिया जाने की क्लीनिंग हो रही है। तो ये घर को कहने का टाइम आ गया है अलविदा और हम जाएंगे इंडिया। तो अभी फिलहाल 10 दिन है, लेकिन सोचा कि अभी से क्लीनिंग चालू कर देता हूँ। थोड़े थोड़े जो भी सामान है, जैसे बेड है, टेबल है, छोटे मोटे साइड टेबल्स है, वो सब मुझे यहाँ पर जुगाड़ करके या तो किसी को देना होगा या तो फिर ऐसे ही रख के चले जाएंगे। यूएस में एक चीज ये अच्छी है कि यहाँ पर आप बस सामान रख के चले जाओ, कोई ना कोई उठा के लेके चले जाता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। गाड़ी तो है नहीं कि जाके हम डोनेट कर सकते, तो नीचे रख के चले जाएंगे, जिसको जरूरत होगी वो लेके चले जाएंगे। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट प्लेस वगैरह में सेल कर दो, बट मुझे वो सब के झंझट में नहीं पड़ना है। मैंने सोचा कि एक टाइम जाने के पहले इस रूम का एक फाइनल टूर आप लोग को दे देता हूँ। जैसे ये पता ही था आपको, मैं मोस्टली वीडियोस यहीं पर बनाता था। तो जो भी आपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखे अबाउट यूएस वीजा इंटरव्यू, तो मैंने यहाँ पर ही बनाए हैं। ये मेरे सोने के लिए बेड था और ये मेरा ब्यूटीफुल सा किचन। और अभी फिलहाल पूरा घर खाली हो गया, यहाँ पर टूरैक वगैरह था लेकिन वो सब मैंने लेकर आ गया। हालांकि 2 बैग पैक हो चुके हैं, लेकिन अब सामान इतना ज्यादा है कि क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि वार्डरोब खाली हो चुका है। फिलहाल सामान तो हो चुका है, लेकिन मुझे उसके पहले एक ट्रिप भी जाना है यूएस में ही। वो भी जाने के लिए थोड़े बहुत कपड़े तो बाहर रखने ही पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे करके पैकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 दिन रह गए इंडिया जाने की और खुशी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है। खुशी बहुत अच्छा लग रहा है। टिकट्स वगैरह तो आ गए थे, टिकट्स मैंने 2 महीने पहले ही निकाल दिए थे। बाहर का व्यू भी मस्त है, ये व्यू भी मिस करूंगा मैं इंडिया जाकर। ये पूरा डाउनटाउन यहाँ से, और अभी फिलहाल बारिश हुई थी तो शांत हो चुका है मौसम। तो गाइस आखिरी बार वॉशिंग मशीन भी लगा रहे हैं यहाँ पर। कपड़े तो डाल दिए ऑलरेडी, लास्ट टाइम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं अमेरिका में। इसके बाद सीधे इंडिया की धुलाई होगी कपड़ों की। तो गाइस अभी वॉशिंग हो गया है, अभी है ड्राइंग की बारी। सो गाइस ये हो गई हमारी थोड़ी बहुत आज फ्रिज की क्लीनिंग। ये सब जगह भी क्लीन हो गया है पूरा। बेड है सिर्फ, टेबल जो कल आपने देखा था वो गायब हो गया है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ नीचे एक ट्रॉली लेने। एक ट्रॉली से लेके जाएंगे कि हम ऊपर से अपना सामान नीचे लेकर आ सकते। बेल बॉय का काम करना पड़ रहा है आज। ये लेके जाएंगे फिर अपना सब सामान लेकर आएंगे इसमें फेंक देंगे। और मैं फिलहाल हेयर कट भी करके आ चुका हूँ। तो ये सब लोड कर दिया, सारे फेंकने के सामान जो भी छोटा मोटा चीजें थे वो सब, और वो बैग कोई है उसे दे देंगे। बाकी फिर भी चीजें बचती है यार। तो गाइस अब बारी है बेड को नीचे रख कर आने की। तो हम जा रहे हैं बेड को ढकल के नीचे और सोच रहे कि नीचे बेड रख के आते। नसीब से इतना बड़ा बेड आ गया लिफ्ट में, वरना सीढ़ी से लेके आना पड़ता, 4 माला नीचे तो वाट लग जाती थी। बेड तो नीचे रख कर आ गए, लेकिन अभी पेंट का काम करना बाकी था। तो सोचा लगे हाथ पेंट भी कर ही लेते, वरना कहीं हमारा डिपॉजिट से अमाउंट ना कट कर दे कोई। ये चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वॉल पेंट हो गया है, लगे हाथ वो भी हो गया, और अभी सोच रहे ये भी करवा ही लेते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है गंदा दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए सोच रहे कि ये भी करवा ही लेते हैं। तो गाइज अभी पेंट वर्क भी हो चुका है, ये वॉल भी हो गया और ये वॉल भी हो गया, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। रूम भी खाली हो गया है, सिर्फ अभी थोड़े टाइम में ये कारपेट क्लीनिंग होगा। बस कारपेट क्लीनिंग वाला ऑन द वे। कारपेट क्लीनिंग के भी लोग आ गए, ये लोग करेंगे अभी अपना कारपेट क्लीनिंग। सो वो ज़्यादा सल्यूशन अभी हो रहा है वैक्यूम एंड क्लीनिंग। सो गाइज ये हो गया हमारा रूम क्लीन, यहाँ पे सिर्फ बेड लगाया है, और ये हो गया हमारा किचन भी क्लीन। तो बस ये सब क्लीन हो गया है, थोड़े बहुत सामान बाकी है। और ये हो गया हमारा बैग पैक, से 1 2 3 4 5 6 और वो छोटा 7 बैग्स है, लेकिन अभी पता नहीं इसको कैसे लेके जाएंगे, बट देखेंगे कुछ तो करेंगे। सो गाइस बैग्स वगैरह भी सारे कुछ पैक हो गए हैं, और ये एक न्यू डे है, और ये आज लास्ट डे है हमारा इधर सेंट लुइस में, और ये रूम को आखिरी बार देखने का। तो मैंने बस ये वीडियो में क्लीनिंग का बताया कि अमेरिका में अगर आप घर छोड़कर जाते हो तो आपको क्या क्या क्लीनिंग करना पड़ता है और कितना डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। इधर ऐसा नहीं कि उठ के निकल जाओ, वरना यहाँ पर जो डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें से अगर कुछ भी कट होता है तो वो दिल पे लगती है। तो इसलिए हमने सब कुछ कर दिया ऑलरेडी, और क्लीनिंग भी हो गया, पेंटिंग भी हो गया, बस अब निकलना है यहाँ से। आज लास्ट डे है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम फाइनली इंडिया जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं।
तो इसे इस रूम को कहते हैं बाय। इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। बस इसमें इतना दिखाया गया था कि अमेरिका में अगर आप रहते हो और जब आपका लास्ट डे होता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करो कि आप ज्यादा चीजें खरीदो मत, कपड़े बहुत लिमिटेड रखो, क्योंकि अगर आपको इंडिया जाना है तो ऑब्वियसली आपको फिर वो पैकिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी एंड फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विंटर्स के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। अभी हमारे पास बैग फुल है, हमने एक बैग का एक्स्ट्रा पैसा भरा है। अब पता नहीं वहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि बैग्स भी ओवरवेट हैं तो उसके भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो देख लेंगे। अब एयरपोर्ट जाते हैं, फिर वो आपको पता ही चल जाएगा अगले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।